वैदिक हॉस्पिटल सीकर से आज यहाँ नवलगढ़ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं उनके उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये निःशुल्क चर्म रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे चर्म रोग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और बालों के झड़ने की या बालों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में निःशुल्क परामर्श दिया गया है। चर्म रोग में जैसे कि मतलब मुहासे हैं, की मुहासे हैं, जाहिया हैं, सफ़ेद निशान है, सोराइसिस है, दांत भी होते हैं मौसमी, जैसे इस मौसम में अपने गमोरियाँ हैं, एलर्जी है, इस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और जैसे कोरोना के कारण बाल झड़ रहे हैं या नॉर्मली भी लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम से भी बाल झड़ रहे हैं, उस सब चीज़ों का परामर्श आज यहाँ पर दिया गया है और उसकी दवाइयाँ वगैरह भी जो सैंपल हैं वो भी प्रोवाइड कराए गए हैं और ये सारा आज यहाँ पे आयोजन किया गया। हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा से संबंधित किस प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ वैदिक हॉस्पिटल में एक तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसमें मेरे अलावा जैसे मैं खुद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ तो हम यहाँ पे जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेजर्स की फैसिलिटी है, हेयर रिमूवल है, टैटू हटाना है, उसके अलावा स्कार है, झुर्रियाँ हैं उनको हटाने के लिए भी हमारे पास लेजर्स हैं। उसके अलावा स्किन का कोई भी प्रोसीजर है जैसे PRP है या माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, माइक्रो नीडलिंग है, हर तरह के प्रोसीजर हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा मेरे अलावा हमारे यहाँ मतलब आधुनिक जैसे पूरा सेटअप है, OT है, ICU है और जनरल वार्ड और हर तरह का लग्जरी वार्ड, सारी फैसिलिटी हैं। उसके अलावा मेरे अलावा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम है, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मतलब जो भी सुविधा चाहिए सामान्य जनता को हर तरह की सुविधाएं हमारे वैदिक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। चर्म रोग के बचाव और लक्षण उपचार किस तरह के, क्या लोगों में सावधानियाँ किस तरह की रखनी चाहिए? चर्म रोग से बचाव के लिए सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको स्किन पे होती है, चाहे पिंपल हो, बालों का झड़ना हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट जाके कोई क्रीम नहीं लगाएं, घर पे कोई भी तरह की जैसे कोई नींबू लगा लेता है, किसी तरह का पील है या कुछ भी एलोवेरा डायरेक्ट कुछ भी नहीं लगाना, घर की कोई भी चीज़ों को यूज नहीं करना, ओवर द काउंटर है मेडिकल स्टोर से आपको दवाई नहीं लेनी, ये सबसे पहली फर्स्ट स्टेप यही है क्योंकि लोग इससे चेहरा ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, फिर डॉक्टर्स को समस्या आती है उसको ट्रीट करने में। और जैसे मेडिकल स्टोर से बेटनोवेट है, क्लोवेट है, पेंड्रम है, क्वाडिड्रम है, इस तरह की क्रीम लगा लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर की फीस बच जाएगी और चीज़ हो जाएगी, भाई डॉक्टर को आप दिखा लोगे तो आगे आपकी समस्या बच जाएगी क्योंकि उसका समाधान डॉक्टर नहीं कर पाता, कई बार स्टेरॉइड से इतना ज़्यादा